हम चाहेंगे कि बराबर का सीट महागठबंधन में कांग्रेस और स्टेट पार्टी जो बड़ी पार्टी है उसके बीच हो, और स्वाभाविक एलाइज जो कांग्रेस के साथ रहना चाहती हो कांग्रेस एलाइज को सीट दे, और जो राजद के साथ रहना चाहता है राजद एलाइज को सीट दे। लेकिन मुझे लगता है वर्तमान समय में लालू यादव जी के बहुत दूर रहने से, जेल में रहने के कारण, और जिस तरीके से लालू यादव जी के परिवार ने राजनीतिक रूप से लालू यादव को अलग थलग किया है, राजद में लालू राजद की राजनीति का समापन और ट्विटर चौपाल और भाई बहन प्राइवेट लिमिटेड और फिर मदर लिमिटेड, ये तीन तरह के राजद, और फिर महाभारत का युद्ध, और उस बीच में गठबंधन को यह मजबूत निर्णय लेना पड़ेगा कि क्या लालू यादव राजद के साथ गठबंधन होगा, कैसे अपरिपक्व गठबंधन। आज यदि एनडीए को हराना है तो लालू यादव राजद जो था उस परिवार को राजनीति के मुख्य धारा में आना चाहिए, और लालू यादव को इस तीन राजद का जो गठबंधन है जिसको कुछ पता नहीं, उसको अलग करके, बिहार ही एक स्टेट है जहां एनडीए सिर्फ दिख रहा है कि वहां पर ये फल फूल रहे हैं आज भी। यदि लालू यादव जी ने गंभीरता नहीं दिखाई तो फिर इतिहास कभी माफ नहीं करेगा यदि बिहार में एनडीए को जितनी सीट आज सर्वे दिखा रही यदि आता है तो। इसके सबसे बड़े दोषी वो लोग नहीं होंगे जो अहंकारी है। और मुझे तो लगता है लगातार निपटाने की कोशिश, शरद यादव को निपटा दो, उपेंद्र कुशवाहा जी को निपटा दो, मांझी को बेइज्जत करो, ये कैसा गठबंधन। इसलिए मजबूत गठबंधन की आवश्यकता है। हम चाहते हैं, और जिस तरीके से कांग्रेस को लगातार ये औकात बताए जा रहे हैं कुछ लोग, बड़ा चिंता का विषय है। लालू यादव जी ने जिस शालीनता और गंभीरता से एक सेकेंड लाइन लीडरशिप, एक स्वाभाविक लीडरशिप, एक परिपक्व निर्णय, देश के भविष्य में कांग्रेस के हित में एक राजनीतिक और बेहतर निर्णय जो लिया उन्होंने,